क्वेश्चन इज हाफ ऑफ द विलेजेस विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस सो सपोज हाफ ऑफ द सपोज एक्स है टोटल विलेजर्स है सो एक्स बाई टू का ओन हाउस है सो हम लोग हाउस लिख ले रहे वन फिफ्थ ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी सो एक्स बाई फाइव पैडी कल्टीवेट करते हैं सेकेंड है वन थर्ड ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट सो वन थर्ड दैट मीन्स टोटल वन थर्ड ऑफ द विलेजर आर लिटरेट ठीक है नेक्स्ट फोर फिफ्थ ऑफ द विलेजर्स आर अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर ऑफ एज सो फोर बाई फाइव एक्स ये क्या है अंडर ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट सो अब हमें पूछा है चारों में से कौन सा सर्टेनली करेक्ट है जब ये सर्टेनली वर्ड आए ना मतलब यहाँ आपको डेफिनेट बोलना होगा कि एग्जैक्टली exactly करेक्ट है कि नहीं सो so इसमें आप क्या देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में ऑल दिया है पहला में ऑल दिया है दूसरा में सम देखिए ऑल मतलब लगभग सबको इंक्लूड करना है दूसरा सम है मतलब कुछ को इंक्लूड करेंगे तीसरा ओनली हाफ इसमें भी एग्जैक्ट दिया हुआ है चौथा नो विलेजर्स इसमें भी एग्जैक्ट है तो अगर आपके पास समय नहीं है और ऑप्शन मारना है तो डायरेक्टली आप बी को ऑप्शन मार के आ जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बाकी ए सी और डी में क्या है एग्जैक्ट एग्जैक्ट है आपका सम का ऑप्शन नहीं है और जितना ये कंस्टेंट दिए हैं ना चार कंस्टेंट है इसमें एक्जैक्टली exactly ऐसा आता है कि आपका कोई भी अगर ऑनली हो या एग्जैक्ट हो वो चीज़ें मिस हो जाता है सो so आंसर भी ही होता है चलिए हम लोग इसमें निकाल के देखते हैं इसमें क्या आता है सो so पहला है ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट सो ये हाउस है एक्स बाई टू के पास हाउस है और लिटरेट एक्स बाई थ्री के पास है तो so सपोज़ अगर हमारे पास हंड्रेड भी सपोज़ मान लेते हैं एक्सेज इक्वल टू हंड्रेड है तो इसमें से पचास लोगों के पास मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा इसमें से पचास लोगों के पास हाउस होगा और एक्स बाई थ्री लिटरेट होंगे तो सपोज थर्टी थ्री लोग लिटरेट होंगे सो मे बी पॉसिबल है क्या है क्वेश्चन क्या है ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट सो ये पचास के पचास लिटरेट है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अदर पचास भी वो भी ये थर्टी थ्री में हो सकते हैं तो पहला तो हम सर्टेनली नहीं बोल सकते सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं सम विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर ऑफ एज आर लिटरेट सो ट्वेंटी फ़ाइव ईयर ऑफ एज में कितना टोटल लोगे फ़ोर बाई फाइव ऑफ एक्स मतलब अगर एक्स को हंड्रेड लेते हैं तो फोर बाई फाइव मतलब एट्टी विलेजर्स जो हैं वो आपका तुम पच्चीस ईयर से कम में आ जाते हैं और लिटरेट में हम कितना देख रहे हैं तैंतीस है तो सौ में तैंतीस हमारा अगर मान के चलते हैं कि जो ये ट्वेंटी जो ट्वेंटी विलेजर्स हो जाएंगे हमारा ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव ईयर ये सबको हम लोग लिटरेट मान लेते हैं कि ये पूरे के पूरे लिटरेट हैं ठीक है तो अभी भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो 33 में से 20 गया कितना बच गया लगभग 13.33 अगर 100 के हिसाब से चलते हैं तो इतना और लिटरेट हमारे बचेंगे तो इसका मतलब सम विलेजर्स अंडर 25 फाइव ईयर एज मतलब ये 13.33 है ये 80 में से ही आएगा बिकॉज अगर हम 20 एक्सट्रीम केस भी लेके रखते हैं कि 20 जो है वो 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो मान के चलिए वो सब लिटरेट है तो हमारा लिटरेट का संख्या तैंतीस है तो अभी भी तेरह लिटरेट थर्टीन पॉइंट समथिंग है अगर हंड्रेड को एग्जाम्पल लेके ही चल रहे हैं हम तो तेरह लिटरेट अभी भी आएंगे और वो तेरह लिटरेट ये हमारे पच्चीस ईयर से जो कम है अस्सी जो संख्या है उसमें से आएंगे इसका मतलब सम विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर ऑफ एज आर लिटरेट ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एटलीस्ट तेरह तो विलेजर्स दिख रहे हैं जो पच्चीस साल से कम है वो लिटरेट में आ रहे मतलब बी स्टेटमेंट सही है ऐसे तो हमें डायरेक्टली टिक कर देना चाहिए अब आगे बढ़ जाना चाहिए लेकिन दो स्टेटमेंट और दिखा देता हूँ मैं कि ये दोनों गलत कैसे होगा ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट सो पैडी कल्टिवेट करते हैं एक्स बाई फाइव एक्स बाई फाइव मतलब हंड्रेड बाई फाइव ट्वेंटी पैडी कल्टिवेट करते हैं और हाफ बोला है मतलब ट्वेंटी का हाफ टेन हो गया सो so, केवल टेन विलेजर्स लिटरेट है तो हमें ये रेशियो पता नहीं ये रेशियो लिटरेट से कनेक्टेड आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते मे भी आप जो पैडी ट्वेंटी कैलकुलेट कर रहे जो अस्सी पैडी नहीं कैलकुलेट कर रहे मा हो सकता है कि तैंतीस के तैंतीस लिटरेट है वो जो पैडी कैल्टिवेट नहीं कर रहे उसमें से हैं तो उस हिसाब से एक भी पैडी कल, कल्टिवेटर लिटरेट नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो गया लास्ट है नो विलेजर्स अंडर ट्वेंटी फाइव ईयर ऑफ एज हैज़ इज़ ओन हाउस ये भी कंडीशन गलत हो गया क्योंकि हम देख रहे किस कितना पचास लोगों के पास ओन हाउस है और टोटल हमारा एट्टी है पच्चीस साल से कम है अगर ये अगेन ट्वेंटी वाला रेशियो लेके चलेंगे कि अगर ट्वेंटी जो हैं जो बीस पच्चीस साल से उम्र जिनका ज़्यादा है अगर उनके पास अपना हाउस है तो अभी भी तीस तीस लोग और बचे हैं जिनके पास अपना घर है तो वो तीस लोग इस अस्सी में से ही तीस लोग आएंगे मतलब पच्चीस साल से कम में ही तीस लोग आएंगे इसका मतलब है जो नो विलेजर्स लिखा है ये पॉसिबल नहीं है मतलब विलेजर्स हैं जो पच्चीस साल से कम है और जिनका अपना घर है मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट बी सही हो गया सो so, पहले मैंने जो ट्रिक बताया था कि अगर आपके पास समय नहीं है डायरेक्टली आप ऐसा क्वेश्चन में बी मार के आए जहाँ सम है जहाँ पर डेफिनेटनेस का स्कोप नहीं है सम हो अगर जहाँ ऑल हो नन ऑफ द अबव हो ये सब आंसर जनरली नहीं होता है सो so, आप दोनों तरफ से मैंने आपको समझा दिया है सो यू आर यू आर स्मार्ट इनफ टू चूज़ कि कौन सा वे जाना है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन सो अकॉर्डिंगली यू कैन सी सेट 2021 का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए